आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको C51 5G फ़ोन है, तो पोको C51 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में QR कोड स्कैनर है, तो QR कोड स्कैनर का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे आप QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं बिना पासवर्ड के, और कैसे वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करके इंटरनेट आप कैसे चला सकते हैं QR कोड स्कैन करके, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं। सिंपली आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं बिना पासवर्ड के, और कैसे वायरलेस इंटरनेट आप चला सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है। तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है वाईफाई का, तो वाईफाई पे जाते हैं। तो वाईफाई का भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो आपको पोर्टेबल हॉटस्पॉट पे जाना है जिसमें शेयर QR कोड ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिंपली इसके ज़रिए जो भी आप QR कोड शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके ज़रिए QR कोड को शेयर करके वाईफाई नेटवर्क को आप कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेस इंटरनेट भी आप चला सकते हैं। और आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं वाईफाई का, क्योंकि वाईफाई के ज़रिए भी QR कोड स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं और नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली QR कोड स्कैन करना और वाईफाई नेटवर्क आपके फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे आप वायरलेस इंटरनेट एंड इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं, QR कोड भी स्कैन करके नेटवर्क को कनेक्ट कर पाएंगे जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, और वायरलेस इंटरनेट भी आप चला सकते हैं और साथ में और भी ऑप्शंस का यूज़ कर पाएंगे जिससे बिना पासवर्ड वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो।